असलमैल मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को मेरा प्यार सलाम और मेरी नई आने वाली सहेलियों को खुश आहमदीद मेरी जितनी भी नई आने वाली सहेलियाँ उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया तो भाई आज फाइनली मेरा चूल्हा जो है सही होने के लिए चला गया और समझे मेरी तो आज हो गई बल्ले बल्ले क्योंकि ये जो है ना चूल्हा घर से बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेना था इतना कोई कामचोर चूल्हा था कि बस इसने कहा कि मैं घर में आके बैठ गया तो बस बैठ ही गया अब मुझे कहीं नहीं जाना मुझे इसी घर में अपना आखिरी दम भी तोड़ना है मैंने कहा भाई चला जाओ चले जाओ चले जाओ डॉक्टर के पास और अपनी रिपेयरिंग करवा के आ जाओ लेकिन नहीं भाई चूल्हे ने कहा कि बस मुझे तो आपके घर में ही अपना जो है ना आखिरी सांस लेना है मैंने कहा नहीं इसे उठाया और रज़ा लेके चले तो बस रजा जब चलो पिज्जा कैसे बनता मेरे में तो चीज़ ही हो गई तो रजा जा रहे थे बाहर तो मैंने कहा आवाज़ दी और मैंने कहा जनाब रुकें थोड़ी देर वेट करें आज मैं भी चलती हूँ आपके साथ वैसे तो रजा मुझे नहीं लेके जाते लेकिन आज मुझे रजा ले गए क्योंकि कभी कभार होता है ना कि शौहर का मूड भी बहुत खुशगवार होता है तो वो आपको बाहर ले जाते हैं लेकिन रजा को मुझे ले जाना भारी पड़ गया क्योंकि रजा को लानी थी सिर्फ और सिर्फ चीज़ लेकिन जब सी बात है अगर बेगम जाए तो फिर वो लाती है दो चार चीज़ें और और अगर बच्चे चले जाएं तो फिर वो आ जाते हैं दस पंद्रह चीज़ें और तो इस वजह से हम बच्चों को लेके नहीं लेकिन गए लेकिन हाँ मैं चली गई थी लेकिन जाने के बाद क्या हुआ कि मेरा दिल चाहा कि अरे आज तो मैं ऐसा करती हूँ कि चॉकलेट केक भी बनाऊँगी तो वो भी ले लूँ मैं ऐसा करती हूँ विपिंग विप क्रीम भी ले लूँ मैं ऐसा करती हूँ पाइन ऐपिल कैन भी ले लूँ तो बस ये जो बेकिंग के आइटम्स होते हैं ना मुझे इन चीज़ों को देख के ऐसा लगता है कि मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं महरीन प्लीज़ हमें ले जाओ ले जाओ ले जाओ अपने घर ले जाओ घर पे ले जा मज़े मज़े की, की रेसिपीज़ बनाना बाइक पे जो है ना वीडियो बनाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है और मेरी कोशिश होती है कि थोड़ी बहुत वीडियो शूट कर ली जाए जो लोग बाइक पे सफ़र करते रहते हैं ना उनके लिए बड़ी बात नहीं होती लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है बाइक पे सफ़र करना और रजा के साथ सफ़र करना अबू और भाई के साथ तो बहुत किया है लेकिन रजा के साथ शादी के शुरू में तो बहुत किया उसके बाद जब से गाड़ी आई है तब से बाइक पे इतना सफ़र नहीं किया यहाँ पर वॉइस ओवर करना मेरी मजबूरी है क्योंकि मुझे देना है अपनी प्यारी सी सहेली का जवाब जिन्होंने मुझसे पूछा था कि आप ही आपका हैदराबाद कितना नीट एंड क्लीन है तो डियर ऐसा कुछ भी नहीं है हमारा हैदराबाद भी पूरे सिंध की तरह तबाह बर्बाद ही है मैं थोड़ी सी चल्लाक हूँ कि जो साफ़ सुथरे एरिया आते हैं ना मैं उनकी वीडियो बना लेती हूँ और जो गंदे गंदे से आते हैं ना उनको मैं छोड़ देती हूँ तो बस यही हाल है बाकी हैदराबाद वैसा ही है जैसा पूरा सिंध है अलहमदिल्ला मेरा चूल्हा सही होके घर वापस आ गया और मुझे इतनी 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 ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जब इसको लेके कर तो वो सामने से डॉक्टर साहब कह दें कि नहीं आपने लाने में देर कर दी अब इनका कुछ नहीं हो सकता आपको न्यू लेना पड़ेगा <laughs> तो मैंने कहा नहीं भई ऐसा नहीं होना चाहिए और बस मुझे इसी पुराने चूल्हे को ये चलाना है और मुझे नया नहीं लेना क्योंकि खर्चा करने का मतलब है बजट आउट करना और बजट आउट करना मैं नहीं चाहती तो बस भाई देखिए प्राइवेट जॉब्स करने वाले जो होते हैं ना वो अपने बजट को देख के चलते हैं और उनकी पूरी जो ना सैलरी आने से पहले पूरी उनकी डिटेल लिस्ट बनी हुई होती है कि भाई मुझे ये खर्चा करना है ये खर्चा करना है ये करना है ये करना है ये करना है और महीने के आखिर में तो हमारा ये हाल हो जाता है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती सब का ही हाल है और आजकल तो मुझे लग रहा है कि शायद जो बिज़नेस भी थे ना वो भी डूब चुके हैं और हाँ एक मैंने बहुत ही प्यारा सा कमेंट किसी का पढ़ा था जिन्होंने लिखा कि अगर आज के दौर में भी किसी को चीनी तेल और आटा सस्ता नहीं लग रहा ओ, मतलब चीनी तेल और आटा महंगा नहीं लग रहा तो भरा मेहरबानी भाई साहब हलाल की रोज़ी कमाने लग जाओ फिर तुम्हें पता चलेगा कि चीनी तेल और आटे की कीमत क्या हो गई है क्योंकि वाकई में यही हाल है कि जो हलाल कमाने वाले ना उनके घरों का तो चूल्हा जलना बहुत ही मुश्किल हो गया है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आज भी हमारे घर का चूल्हा तो जला रहा है और बहुत ही शानदार तरीके से जला रहा है और बल्कि चूल्हा ही नहीं हमारे तो ओवन भी चल रहे हैं तो बस अल्लाह का शुक्र है और वो भी हलाल कमाई पे बिल्कुल हलाल हक हलाल की कमाई पे मेहनत की कमाई पे तो बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और अल्लाह इसी तरह सबके घरों को आबाद रखे चूल्हे जलाते रखे और देखें छोटी छोटी चीज़ों में खुश होना सीखें अगर आप लोग छोटी चीज़ों में खुश होना सीखेंगे तभी आपको जो है ना ज़िंदगी का असल मज़ा पता चलेगा वरना आप इंतज़ार में ही रहेंगे कि यार कब कोई बड़ी खुशी मिले और हम जो है ख़ुश हों वरना सारा दिन जो है ना अपना डिप्रेशन और मूड और ऐसे वैसे बातों में ही गुजर जाता है वैसे मेरी तरह की जो लड़कियाँ होंगी ना वो तो भाई छोटी छोटी चीज़ों में भी खुश हो जाती होंगी जैसे कि भाई आज मैंने पिज़्ज़ा बनाया तो मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो गया खाने से ज़्यादा जो है ना मेरा मूड अच्छा हो जाता है जब कोई अच्छी चीज़ में बनाऊँ और मेरे बच्चे खुश हो जाए और आज मैं करने वाली हूँ एक बिग अनाउंसमेंट और वो बिग अनाउंसमेंट क्या है वो ये है कि भाई मुझे बहुत सी मेरी प्यारी सहेलियाँ कहती हैं कि आप ही आप हमारा नाम नहीं लेती आप ही आप हमारा नाम नहीं लेती आप नेक्स्ट वीडियो में हमारा नाम ज़रूर लीजिएगा तो असल में क्या होता है कि मैं कमेंट्स जब पढ़ती हूँ ना जब सबको रिप्लाई दे देती हूँ और उसके बाद में भूल जाती हूँ कि किसने मुझे कहा था मैं बहुत ही भुलक्कर लड़की हूँ तो इस वजह से जो है ना फिर मुझे याद नहीं रहता तो लेकिन मैंने आज सोचा है कि आज की वीडियो में जितने भी कमेंट्स आएंगे ना उन सब के मैं नेक्स्ट वीडियो में नाम लूँगी और जो मुझसे सवाल पूछे जाएंगे उनके जवाब भी दे दूँगी तो आज आप लोगों को जो पूछना है पूछ डालो आप लोगों को खुले छूट है अच्छा तो वही पार्टी चल रही है किस किस को पिज़्ज़ा पसंद है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप लोगों को ये पिज़्ज़ा कैसा लग रहा है तो भाई मुझे तो बहुत ही मज़ेदार लगा और सबसे मज़े की बात ये है कि आज मैंने पिज़्ज़ा सॉस बना ही नहीं मैंने मेहनत का काम किया ही नहीं क्योंकि आज मैं बाहर से होके आई थी तो मैंने कहा बस जो कैचअप है ना उसी से काम चलाते हैं तो बस मैंने चिली गार्लिक कैचअप सॉस ही यूज़ किया और इतना मज़े का बनाना उससे भी पिज़्ज़ा तो क्या ज़रूरत थी इतना मेहनत करने की तो बस बहुत ही बच्चों ने एन्जॉय कर लिया हमने मज़े कर लिए बस और क्या चाहिए यहाँ पर मैं आ गई थी गैलरी में और मगरब के वक्त इतना खूबसूरत लग रहा होता है ना सब कुछ मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और मैं यहाँ पर अपनी एक पर्सनल चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि अगर किसी को मेरी तरह कोई बीमारी या फिर कोई टेंशन या फिर कोई परेशानी हो दिल में उलझन हो कोई घबराहट होती हो नींद ना आती हो तो वो मेरी तरह ये करके देखे हो सकता है कि आपको भी फायदा हो मुझे तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है इससे वो क्या है कि मगरब के वक्त जब चारों तरफ़ से अज़ानों की आवाज़ें आ रही हों तो आप अपनी आंखें बंद करके गैलरी में खड़े हो जाएं और चारों तरफ़ की अज़ानों को सकून के साथ सुने आप देखिएगा कि आपके दिल को कितना सकून मिलता है और आपके दिल के अंदर एक रूहानियत आ जाती है तो भाई मुझे तो इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये शेयर किया जाए शायद हो सकता है मेरी तरह आप लोगों के भी दिल में कुछ घबराहट कुछ परेशानी रहती हो तो वो दूर हो जाए इस चीज़ से तो ये फार्मूला आज़माइएगा इन आपको बहुत जल्द इससे फ़ायदा होगा और यहाँ पर मैं जो है ना सारे घर की जो लाइट्स हैं उनको ऑन कर रही हूँ और जो फजूल लाइट्स हैं उनको ऑफ़ कर रही हूँ तो बस यही काम होता है जो घर के बड़े होते हैं ना उनका यही काम होता है उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को, को पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए अपना खास ख्याल रखिएगा हाफिज़